Welcome to FU Book 1, Lesson Number 36, Assessing Learning Part 2. My name is Manju और you are watching Easy for Education. चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन. और इसकी मैंने लिसनिंग की वीडियो पहले अपलोड कर चुकी है. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं. और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि उसी के थ्रू आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है. ओके दोस्तों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. दोस्तों बेसिकली रीडिंग में दोस्तों प्रैक्टिस वाइल रीडिंग. ओके इसमें भी डेमो दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बोल के बताती हूँ. डेमो में ए बी सी डी डेमो दिया गया है. यहाँ पे आपको राइट डाउन करना होता है, ये एक डेमो है, मैं बोल के बताती हूँ. बेसिकली एम एम डब्ल्यू एफ फ्रेंड डेमो में दोस्तों ए बी सी आप क्या फॉलो करते हो, आपको मेरा इंटरफेस तो दिख ही रहा होगा. ये डेमो ठीक है और ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इंटरफेस. आप क्या फॉलो करते हैं, ए बी सी. ऑलराइट सो एम डब्ल्यू एफ प्रैक्टिस ए ए पॉइंट फॉलो कर रहा है तो वो बोल रहा है इन द क्लासरूम आफ्टर माय सेशन फॉर 20 मिनट्स टी टी एस डिस्कस माय प्रोग्रेस विद माय फैसिलिटेटर्स एंड फॉलो पॉइंट बी फॉर 15 मिनट आफ्टर बिफोर माई क्लास. ठीक है दोस्तों ये एक डैमो. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों. मैंने कैसे किया था फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया, जो स्टोरी का जो हम रीड कर रहे हैं उसका मेन आइडिया होता है, उसको कैसे समझना है. अगर प्रॉब्लम है तो मैंने कैसे लिखा था, मैंने लिखा था सम वर्ड्स आई डोंट नो इन रीडिंग. ठीक है और मैंने फॉलो क्या किया था, मैंने ए बी सी आप इनमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं. सी लिखा नहीं है, आप वो अपने हिसाब से राइट डाउन करोगे आपको कैसे फॉलो करना है. मैंने कैसे किया था मैं आपको बोल के बताती हूँ. वाइल रीडिंग आई अंडरलाइन दोज वर्ड विच आई कांट नो अबाउट इट. फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों. While reading, I underline those words which I can't know about it. ठीक है चलिए नेक्स्ट. जो आपको वर्ड जैसे समझ नहीं आता आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है आपको रीड करने के तरीके समझने के तरीके ढूंढने होंगे और अगर नहीं आता तो आप फैसिलिटेटर से पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड से पूछ सकते हो. ठीक है रीडिंग में When I will come FEN read a book in the library. आप FEA में भी बुक आके रीड कर सकते हो, लेसन से पहले लेसन के बाद भी और जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है. FEA कहता है आप आपके यहाँ पे रीड कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी कभी भी. ठीक है ये भी यहाँ पे है. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों. नेक्स्ट पे रिमेम्बरिंग द डिटेल्स आई हैव सम रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम. सो आप क्या फॉलो करोगे, ए बी या आप अपना खुद का राइट डाउन करोगे. सी में आई विल, मैंने क्या किया था, आई विल रिवाइज अगेन एंड अगेन. मैं उसको जो वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको बार बार याद करने की कोशिश करूँगी. ठीक है तो मैंने यहाँ पे ऐसे राइट डाउन किया था. आप अपने तरीके से कर सकते हो, आप कौन सा तरीका अपनाओगे वो आपको सी पार्ट में जो ब्लैंक है उसमें आप राइट डाउन कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों. इफ आई हैव सम रीडिंग प्रॉब्लम्स देन आई अंडरलाइन दोज वर्ड एंड रिपीट इट अगेन. इफ आई हैव सम प्रॉब्लम रीडिंग
देन आई अंडरलाइन दोज वर्ड एंड रिपीटेड अगेन. ओके चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों. ओके गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद ऑप्शन, क्या रेडियन ऑप्शन में आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है? दोस्तों मुझे तो नहीं थी उस समय, आपको अगर है तो आप वो यहाँ पे नो यस कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो. सी सेक्शन में आप क्या ए बी और ये जो ब्लैंक है उसमें आप अपने तरीके से लिख सकते हो दोस्तों. तो मैंने कैसे किया तो मैं आपको बोल के बताती हूँ, ठीक है. आई विल फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी. ओके अगर आपको किसी वर्ड में कन्फ्यूजन है तो आप डिक्शनरी में देख सकते हो या ग्रुप ऑफ फ्रेंड से पूछ सकते हो. और फ़ोन तो आजकल हर किसी के पास ही होता है दोस्तों, तो बहुत ईजी हो जाता है. चलिए नेक्स्ट. आई विल यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड अ वर्ड ऑफ द मीनिंग. ऑलराइट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिक्शनरी में ईजिली ढूंढ सकते हो, ठीक है. ये था आपका रीडिंग सेक्शन. अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन पे. राइटिंग सेक्शन, ठीक है. ओके राइटिंग सेक्शन में दोस्तों गुड प्रैक्टिस राइटिंग, ये आपको इंटरफेस मेरा दिख रहा होगा दोस्तों. आपको इसको रीड करना है और आपको क्या फॉलो करना है यहाँ पे राइट डाउन करना है. तो दोस्तों मैंने पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर में क्या लिखा था वो मैं आपको राइट डाउन जो मैंने किया था वो मैं बोल के बताती हूँ, ठीक है. आप अपने तरीके अपने वेज में लिखिएगा आप क्या चीज़ फॉलो करते हो. और जो कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड से पूछ ली सकते हैं और फैसिलिटेटर से भी आप पूछ सकते हैं. मैंने कैसे किया था वो मैं आपको हिंट देती हूँ. ओके पॉइंट वन में दोस्तों मैंने लिखा था वन आवर आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंसेस. एंड पॉइंट टू में I will write again and again or I'll check it out. Alright? मैंने पॉइंट वन पॉइंट टू में लिखा था दोस्तों, ठीक है. और आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्पोकन पर आते हैं. स्पोकन में क्या है चलिए जल्दी से देखते हैं दोस्तों. प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग, स्पोकन में प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग माई स्कोर गुड प्रैक्टिस टेक द वंस विच यू फाइंड मेक योर प्लान्स. यहाँ पे आपको अपने प्लान्स लिखने हैं, ठीक है. चल मैं जल्दी से आपको बोल के बताती हूँ. फॉर्मिंग करेक्ट क्वेश्चन, मेकिंग क्वेश्चन देर डिफिकल्ट टू मी. उस समय मेरे लिए क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है. सो दोस्तों आप ए बी सी फॉलो करते हो और क्या आप अपने तरीके से डी में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हो. मैंने क्या लिखता मैं आपको बोल के बताती हूँ. आई एम गोइंग टू यूज डब्ल्यू एच ओ फैमिली एंड सर्च इन गूगल टेक्स्ट बुक टू मेक अ क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है. एंड व्हाट इज माय प्लान, आई एम गोइंग टू यूज डब्ल्यू एच ओ फैमिली एंड सर्च इन द गूगल. ओके नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों. नेक्स्ट पे है साउंड्स ऑफ श एंड स, ओ एंड ओ एटीसी. I have sh and s with problem. मुझे sh and s बोलने में प्रॉब्लम होती थी. टंग ट्विस्ट, बेसिकली ये टंग ट्विस्ट है. आपको ए में ए पॉइंट में लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों. टंग ट्विस्ट प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर विद sh and s साउंड लिखा था दोस्तों. वैसे ज़्यादा लगे पहले आप यूट्यूब वीडियोज देखिए और जब क्लास में हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए और उसको आप मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए. उससे बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आता है दोस्तों, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों. नेक्स्ट दोस्तों मैंने क्या राइट डाउन करा था, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक अ लॉट्स ऑफ. ज्यादा से ज्यादा मिरर के सामने बोलने की कोशिश कीजिए और लोगों के सामने, तो आपकी हेजिटेशन दूर होगी. ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो या ये लेसन के हिंट कुछ समझ आए होंगे. समझ आए हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल. मैं चलती हूँ नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, उसी के थ्रू मुझे पता चलता है कि मैं वीडियो अच्छे से बना रही हूँ या नहीं, कि आपको समझ आ रहा है मैं आपके लिए क्या अच्छी वीडियोज़ लाती हूँ या नहीं. आप लिखेंगे तभी मैं और बेहतर कर पाऊँगी दोस्तों. ठीक है, मेरी भी हेजिटेशन दूर होगी. ठीक है, बाय बाय.